हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्व कर्मचारियों की तैनाती को लेकर के फ्रेंड एक बहुत बड़ी अपडेट्स दिया गया है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं राजस्व कर्मचारियों की तैनाती को लेकर के क्या अपडेट्स दिया गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्व कर्मियों की तैनाती एक हफ्ते में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी 38 जिलों के डीएम से कहा है कि जिलों में भेजे गए नवनियुक्त 4325 कर्मचारियों की पोस्टिंग की कार्रवाई एक हफ्ते में पूरी कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीएम को आदेश दिया गया है कि जो भी कर्मचारी है उन्हें पोस्टिंग की कार्रवाई जो है वह एक हफ्ते में पूरी कर ले। इन कर्मियों की जिला स्तरीय 15 दिवसीय प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कराए और इनका जो है प्रशिक्षण 15 दिनों का कराया जाए इस ट्रेनिंग के बाद। यानी कि जैसे ही फ्रेंड इनका ट्रेनिंग खत्म होता है, इस ट्रेनिंग के बाद अंचलों में इनकी पोस्टिंग करते हुए राजस्व संबंधित कार्यों को शुरू कराए। इससे पहले इन अभ्यर्थियों के सभी अनुभव, शैक्षणिक एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों के साथ ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग से दिए नियुक्ति पत्र की समुचित तरीके से जांच करवा ले, इनसे एक शपथ पत्र भी ले जिसमें यह सत्यापित किया गया हो कि इनके स्तर से जमा प्रमाण पत्र सही है। तो फिर यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वे देना पड़ेगा। तो फ्रेंड, यही वो अपडेट था। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फिर नेक्स्ट अपडेट की।